नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। आयुक्त संजीव जायसवाल ने कहा, दिसंबर में छुट्टी पे वसूली को लेकर नगरपालिका के सभी कार्यालयों को खुला रखा जाएगा। देखेंगे रिपोर्ट। ठाणे निगम की आय बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और नगरपालिका आयुक्त संजीव जायसवाल ने सभी नगरपालिका कार्यालयों को इस वर्ष छुट्टी पर कार्यालय खुले रखने के आदेश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका आयुक्त श्री जायसवाल विभागों के प्रमुखों की बैठकें और नगरपालिका निगम के विकास के लिए लगातार राजस्व संग्रह की समीक्षा कर रही है। इस पृष्ठभूमि में नगरपालिका आयुक्त संजीव जायसवाल ने आज सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित की और वसूली में वृद्धि के लिए सख्त प्रयास करने के लिए कहा गया। इस साल दिसंबर से नगरपालिका नगर निगम के कार्यालयों मुख्यालयों के सभी वार्ड में छुट्टी के दिन भी काम करेंगे। इससे पहले जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान सभी नगर निगमों को हर साल विशेष वसूली के लिए छुट्टी पर रखा जा रहा था। हालांकि नगरपालिका आयुक्त संजीव जायसवाल ने नगर निगम के सभी कार्यालयों को इस वर्ष से विशेष वसूली के लिए छुट्टी पर खुला रहने के आदेश दिए हैं। मुंबई में लालमती नरगिस दत्त नगर बांद्रा की बस्ती में लगी आग, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। देखेंगे रिपोर्ट। मुंबई के नरगिस दत्त रोड पर लालमती झुग्गी बस्ती में भयंकर आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीसरे स्तर की आग है। मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां बुलाई गई जो आग को काबू करने में जुटी हैं। अपुष्ट जानकारी के मुताबिक खाना बनाते वक्त सिलेंडर में विस्फोट होने के चलते ये आग लगी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन आग के चलते पूरी झुग्गी बर्बाद हो गई है। आग लगने के चलते धुएं की वजह से लोग पास में एक खाली मैदान में भाग खड़े हुए। बहुत अधिक धुएं की वजह से अभी स्थिति साफ नहीं है। लालमती स्लम एरिया बांद्रा फायर स्टेशन के विपरीत दिशा में स्थित है। मुंबई के डांस बार की लड़कियों की कुवैत और बहरीन में बढ़ गई है मांग, देह व्यापार के लिए हिंदुस्तान से बुलाते थे लड़कियां। देखेंगे रिपोर्ट। मुंबई में डांस बार कई सालों से बंद है, इसलिए अब एजेंट देश की लड़कियों को मुंबई के रास्ते गल्फ कंट्री में भेज रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के हफ्ता निरोधक प्रकोष्ठ के 3 ऐसे एजेंट को गिरफ्तार किया है। डीसीपी दिलीप सावंत ने सोमवार को एसबीटी न्यूज से इस खबर की पुष्टि की है। सीनियर इंस्पेक्टर अजय सावंत का कहना है कि एजेंटों को गल्फ कंट्री के होटलों के मालिकों से प्रति लड़की भेजने पर 1.5 लाख रुपए मिलते थे। एजेंट लड़कियों की फोटो व्हाट्सएप पर गल्फ कंट्री में भेजते थे। जिन लड़कियों के फोटो पर ओके किया जाता था, उन्हें कहा जाता था कि विदेश में होटल में नौकरी करने पर उन्हें मोटी पगार मिलेगी। लड़की जब तैयार हो जाती थी तब उसे कुछ रकम एडवांस में दे दी जाती थी। फिर उसके 3 महीने का टूरिस्ट वीजा बनवाया जाता था, फिर उसे वहां भेज दिया जाता था। लड़कियों को वहां डांस बार में काम दिया जाता था, वहां उनके जरिए देह व्यापार भी चलता था। राजस्थान की एक लड़की जब इस ट्रैप में फंस गई तब उसने अपने परिवार वालों को फोन किया। परिवार वालों ने जब उस एजेंट को संपर्क किया जिसने उसे वहां भेजा था, तब एजेंट ने लड़की की वापसी के 2 लाख रुपए मांगे। परिवार तैयार हो गया, लेकिन इस बारे में मुंबई क्राइम ब्रांच को भी अलर्ट कर दिया गया। इसी में मोहम्मद कमाल शेख, टीकू दिनेश राज और फरीद उल हक नामक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। इंस्पेक्टर सचिन कदम, अरविंद पवार, विश्वास राव पाटिल की जांच में सामने आया कि फरीद के बहरीन में 2 होटल हैं। हर होटल के लिए 3 महीने में 8-8 लड़कियां बुलाता था और 3 महीने बाद उन्हें वापस भेजकर 16 नई लड़कियां बुलाई जाती थी। हर लड़की पर ये लोग 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते थे, जबकि लड़की को सैलरी के नाम पर प्रति माह 50,000 रुपए ही देते थे। एक अधिकारी ने एसबीटी न्यूज से कहा कि मुंबई में डांस बार में रुपए निछावर किए जाते हैं, जबकि दुबई या बहरीन में ग्राहक को होटल में लगी मशीन में कार्ड स्वाइप करना होता है। होटल मालिक की वह कोशिश होती है कि एक लड़की पर ग्राहक 3 माह में कम से कम 400 बार कार्ड स्वाइप करे। जांच में पता चला कि जिन लड़कियों को गल्फ कंट्री में देह व्यापार के नाम पर भेजा जाता था उनमें आगरा, भरतपुर और अलवर की लड़कियां सबसे ज्यादा हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका को बाधामुक्त शहर बनाने के लिए सूचनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखेंगे रिपोर्ट। नगर पालिका आयुक्त के अनुसार डॉक्टर राव, चलने वाले ब्लॉक मुक्त और चलने योग्य शहर के निर्माण के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।
जो नवी मुंबई नगर निगम की सड़कों, फुटपाथों और इमारतों के समान सरल है। रामस्वामी एन, उन्होंने कार्यशाला और इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और सभी संबंधित लोगों को पहल की जानी चाहिए। नवी मुंबई नगर निगम की तरफ से ईटीपी, विकलांग विभाग, प्रशिक्षण और सेवा सुविधा केंद्र की उपस्थिति में इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से ये बाधा मुक्त शहर पर विशेष वॉक बिली कार्यशाला के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहा था। इस अवसर पर शहर के अतिरिक्त आयुक्त श्रीमान रविंद्र पाटिल, सेवा के अतिरिक्त आयुक्त श्री रमेश चौहान, सिटी अभियंता श्री मोहन डांगवाकर, अतिरिक्त शहर अभियंता श्री सुरेंद्र पाटिल, ईटीसी सेंटर के निदेशक डॉक्टर श्रीमंत भक्त और मुख्य गाइड व्याख्याता और भारत सरकार के अनीता अय्यर नारायण और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के प्रवेश लेखा परीक्षक मौजूद थे। नवी मुंबई में घबराहट अवधारणा के अनुसार अन्य शहरों की तुलना में कार्यवाही की अधिक संभावना है, इसलिए आयुक्त ने इस समय के दौरान सभी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया है कि वे बाधाओं को मुक्त और चलाएंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक जांच सूची तैयार की गई और जिसके अनुसार काम किया जाना चाहिए और लगातार काम करना चाहिए, रामस्वामी एन उन्होंने निर्देशित किया। सिटी इंजीनियर श्रीमान मोहन डांगवाकर, उनके विचार में नवी मुंबई के आधुनिक शहर को अधिक निवासी बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं और ये स्पष्ट है कि 1 से 3 किलोमीटर के बीच की दूरी को सभी नागरिकों के लिए आसानी से चलने के लिए उपायुक्त बनाया जाना चाहिए, जो कि विचलन की अवधारणा के पीछे की भूमिका है। उन्होंने कहा कि काम के विभिन्न पहलुओं के बारे में ये जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए, जो आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की व्यापक अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय निदेशक डॉक्टर वर्षा भगत ने समझाया कि वृद्ध पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बुजुर्गों की नजर में भूगोली की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। एक छत के नीचे ईटीसी सभी आयु वर्ग के सभी प्रकार के लोगों को शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कार्यशाला के अनुसार 100% वॉकेबिलिटी अवधारणा को प्राप्त करने के लिए केंद्र देश में एकमात्र देश होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि केंद्र का निर्माण मॉडल बनाने के लिए इमारत का दौरा किया जा रहा है। ये मत भूलना कि दिव्य के लिए सुविधाएं प्रदान करते समय संवेदनशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है। वर्षा भगत ने इसे व्यक्त किया। मुख्य व्याख्याता श्रीमान अनीता अय्यर नारायण ने पुणे के ट्रस्ट के विश्वास की स्थापना के उद्देश्य से गतिविधियों और गतिविधियों के बारे में सूचित किया। उन्होंने दिव्यांगन लोगों के समाज में उनके सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया। भारत में बाधा मुक्त चलने की अवधारणा अभी आई है और नवी मुंबई नगर निगम ने इसके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। साथ ही जनता को बधाई दी है कि इस कार्यशाला के बारे में कितनी जागरूकता है। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कों, फुटपाथों और इमारतों को बाधाओं से मुक्त होना चाहिए और सरकार ने किसी भी नागरिक के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने और कर्मचारियों के साथ चर्चा के माध्यम से दिशा निर्देश दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमती अनीता अय्यर नारायण और कार्यशाला में ईटीसी के कार्यकारी समूह ने भाग लिया। वॉबली निरीक्षण के अनुसार केंद्र का दौरा वर्तमान स्थिति की जांच करता है और इसी में सुधार की चर्चा करता है। वर्तमान में इंजीनियरों की आंख पर काले सलाखों के निर्माण करने के लिए व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता है और इंजीनियरों को व्हीलचेयर पर रखने और डिवीजनों और उपायुक्त सुविधाओं को चलाने के लिए समस्याओं का हल करने के लिए आवश्यक समस्याएं भी हैं। नवी मुंबई शहर बाधा मुक्त और चलने योग्य होने के लिए इस तरह के वाहनों को उपयोग कम करने, शहर में वाहनों के उपयोग और निगम की भूमिका और कार्यशाला बहुत उपयोगी है। वर्तमान अधिकारी, कर्मचारियों और आर्किटेक्ट्स व्यक्त किए जाते हैं। एरोली, घनसोली, तुरभे, कोपरखेड़े विभाग कार्यालय में स्वच्छता की मुहिम चलाई गई, देखेंगे रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छता सेवा के तहत स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां। इस आधार पर 27 दिसंबर 2018 को एरोली विभाग, घनसोली डिवीजन, तुरभे डिवीजन, कोपरखेड़े डिवीजन, नेरुला मंडल कार्यालय के मार्गदर्शन के तहत एक विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया था। अभियान के दौरान कार्यालय में वैन, टेबल, कुर्सियां, पुराने काम के सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर साफ सफाई की गई और कार्यालय से बाहर धोया गया। कभी कार्यालयों में एक अज्ञात वातावरण बनाने के लिए परिसर की सफाई के बाद परिसर की सफाई के काम की जगह पर सफाई डिवीजन के सभी अधिकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भी शामिल थे। फर्जी ट्रैवल एजेंटों से सावधान, बाहर देश भेजने के लिए पैसे लेकर भेजेंगे जेल, देखेंगे रिपोर्ट। दुबई जाकर कमाने का सपना देखने वाला एक मजदूर ट्रैवल एजेंट के झांसे में फंसकर जेल पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रहने वाले इस मजदूर के परिवार के पास उसकी जमानत कराना तो दूर इतने रुपए भी नहीं है कि वह जर्नल की टिकट लेकर मुंबई पहुंच सके। नजीत कुमार राजभर 22 अक्टूबर को मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा था। वह यहां से टूरिस्ट वीजा पर दुबई जा रहा था। अधिकारियों ने जांच में पाया कि उसके पास इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट होना चाहिए। जब अधिकारियों ने उसे पूछा तो उसने बताया कि वह दुबई जा रहा है।
उन्होंने उससे रिटर्न टिकट मांगा। जांच में उसके पास जो दस्तावेज मिले वे फर्जी थे। उसने शहर के थाने की पुलिस को सौंप दिया। गाजीपुर निवासी रंजीत ने बताया कि दुबई जाकर कमाना चाहता था। उसने गाजीपुर के ट्रैवल एजेंट को संपर्क किया। दो ट्रैवल एजेंट सुनील कुमार और धर्मेंद्र कुमार ने उसे दुबई भेजने की बात कही। इसके लिए उसे 50,000 रुपए भी मांगे। उसने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और किसी तरह से 50,000 रुपए का इंतजाम किया। उसे नहीं पता था कि उसके दस्तावेज फर्जी हैं। रंजीत के वकील प्रभाकर त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को आरोपी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए और उनके खिलाफ रंजीत को गवाह बनाना चाहिए। वहीं रंजीत की पत्नी पूजा देवी ने बताया कि सोमवार को उसे कोर्ट से फोन आया कि रंजीत की जमानत के लिए 60,000 रुपए चाहिए। उन्होंने कहा उनके पास इतने रुपए नहीं है कि वह टिकट लेकर अपने पति से मिलने मुंबई जा सके। उन्होंने ट्रैवल एजेंसी पर ठगी का आरोप लगाया। तो इतनी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रहे SBT न्यूज़। धन्यवाद।